गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सबके साथ हाजिर हैं। मैं हूं अनीशा दीक्षित, आप सबका स्वागत है स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जॉय ज्योति घोष। जॉय दादा, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे। थैंक यू अनीशा, और वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और देखिए, कानपुर के मैदान में दूसरा दिन आ गया है, दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। और देखिए, जिस तरह से कल की अगर बात करें फर्स्ट टेस्ट मैच की, तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का जो नाम है वो कहीं ना कहीं हीरो ऑफ द मैच दोनों रहे हैं कल। और जो देखिए आखिरी जो मैच खेल रहे थे श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा, वो कुछ ही देर में फिर से शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में जॉय दादा? देखिए, क्रूशियल डे है आज, इस टेस्ट मैच का बहुत ही क्रूशियल डे है। और न्यूजीलैंड चाहेंगे कि कमबैक करना है यहाँ से। न्यूजीलैंड अगर कमबैक करना चाहते हैं तो पहला जो सेशन है, पहले एक घंटा या डेढ़ घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड बोलर्स के लिए, क्योंकि थोड़ा नमी रहता है इस टाइम विकेट में। और फर्स्ट गेंदबाज जो है, हालांकि नया गेंद से बॉलिंग करने वाला है, और यहाँ पर एक सटीक गेम प्लान से बॉलिंग करना है। कांचे मिशन कल बहुत ही बढ़िया उमदा परफॉर्मेंस दिया है, और वहां से कंटिन्यू करना चाहेंगे कांचे मिशन और टीम साउथी। एक फास्ट बॉलर का यहाँ पर कमी मुझे कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, कल भी बताया था कि एक फास्ट बॉलर और चाहिए था। ये जो न्यूजीलैंड का स्ट्रेंथ है ना, एक उनका स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर ही है। न्यूजीलैंड स्पिनर्स उतना कुछ खास कर नहीं पाएंगे, डाउट है, क्योंकि आप देख लीजिए कल का मैच देख लीजिए, एक भी स्पिनर्स विकेट नहीं चटकाए। अजाज पटेल 21 ओवर किए 78 रन दिए, विलियम समरविले 24 ओवर किए 60 रन दिए, रचिन रविंद्र 7 ओवर करवाए गए 28 रन दिए, लेकिन विकेट चाहिए, विकेट नहीं मिला किसी स्पिनर्स को। तो एक फास्ट बॉलर यहाँ पर जो फर्स्ट बॉलर का जो कमी वो दिख रहा है। और जो विकेट मिला है न्यूजीलैंड का, सारे फास्ट बॉलर ही, दो फास्ट बॉलर खेल रहे टीम साउदी और काइल जेमिसन, तीन विकेट चटकाए यहाँ पर काइल जेमिसन और एक विकेट चटकाए टीम साउदी। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हुआ अब टीम साउदी और काइल जेमिसन के ऊपर। पहले एक घंटे में श्रेयस अय्यर रविंद्र जडेजा चाहेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव से विकेट ना दे यहाँ पर, और डटे रहे। जितना वक्त बीतेगा उतना आसान होता जाएगा विकेट है। और फिर इंडियन बैटर्स एक अच्छी पारी खेल के यहाँ पर जो स्कोर है 400 के ऊपर, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वही सोच रहे इंडियन थिंक टैंक की मोर देन 400 रन यहाँ पर खड़ा करके वो चैलेंज छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर। लेकिन न्यूजीलैंड वही चाहते कि 320 या 350 के अंदर अगर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है यहाँ पर इंडियन इनिंग्स को, तो शायद उनके लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। वही देखना है आज, बहुत ही क्रूशियल डे है टेस्ट मैच की, और विकेट किस तरह से बिहेव करता है वो भी देखना है, क्योंकि कल से विकेट, थर्ड डे से विकेट और भी ज्यादा घूमना शुरू कर देगा, और अश्विन अक्षर और जडेजा को खेलना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए यही कहना चाहूंगा कि आज क्रूशियल डे, और न्यूजीलैंड बॉलर चाहेंगे जितना जल्दी हो सके पुस्तके इंडियन पारी को, पहले इनिंग्स को यहाँ पर सिमटने की बहुत ही कोशिश करनी है न्यूजीलैंड बॉलर। बिल्कुल जो दादा, जाहिर सी बात है क्योंकि दूसरा दिन है और सुबह सुबह मैच होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो देखने को मिलेगी पिच पे, जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है न्यूजीलैंड बॉलर्स के लिए। और देखिए, अगर बैट्समैन के बारे में बात करें तो विद्यमान साहा, रविंद्र चंद्रन, अश्विन, अक्षर पटेल, उमेश यादव, ईशान शर्मा की बैटिंग अभी रह गई है, तो क्या लगता है कि ये कितने रन बना लेगी कल टीम इंडिया? देखिए अनीशा, इट डिपेंड्स। विद्यमान साहा को बैटिंग आता है, उनका सेंचुरी है न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, उन्होंने सेंचुरी ठोका। अक्षर पटेल भी बैटिंग कर सकते, रविचंद्रन अश्विन का भी सेंचुरी है, तो अश्विन तक तो बैटिंग है। अब ये जो साझेदारी, कल जब 145 पर 4 था, उसके बाद जो साझेदारी हुई शतक की साझेदारी, उनको दाद देना चाहूंगा, और ये साझेदारी और कैपिटलाइज करना चाहेंगे श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा, जो कि सेट हो चुके हैं यहाँ पर, और पारी को आगे ले जाना चाहेंगे और श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा। जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया कल अय्यर, मुझे लगता है कि आज एक बड़ी इनिंग्स आने वाले है श्रेयस अय्यर के बैटिंग से। लेकिन वही कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आउट भी हो सकता है जल्दी,
जिस तरह से कल शुभमन गिल आउट हुए फर्स्ट इनिंग्स में, क्या फर्स्ट सेशन में क्या बढ़िया पारी खेला शुभमन गिल, सारे शॉट देखने को मिला, वहां पर डांसिंग डाउन द ट्रैक आके शॉट खेला, इनसाइड आउट शॉट खेला, कभी शॉट ऑब्जर्व देखने को मिला, तो सारे शॉट्स का मिश्रण देखने को मिला उनके बल्ले से। लेकिन अब देख लीजिए सेकंड सेशन में आते ही कैल जेमिसन के गेम में क्लीन बोर्ड हो गए। ये है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार होते हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर तो वही नतीजा होगा जो शुभमन गिल का हुआ। लेकिन जिस तरह से बैटिंग कर रहे, जिस तरह से बैटिंग किया कल शाम तक, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है और एक स्पेशल नॉक आ रहा है श्रेयस अय्यर के बैटिंग से। हालांकि अभी भी 75 नावाद है और क्या बता 120-140 का एक इनिंग्स हम देख सकते हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बदले। बिल्कुल, देखिए श्रेयस अय्यर से अब उम्मीदें और ज्यादा जुड़ गई हैं। और देखिए आपने जैसे बात कही कि अगर टी ब्रेक में हमने देखा, लंच में देखा कि अगर खिलाड़ी खेलते हुए ब्रेक आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो रिदम है वो ब्रेक हो जाती है। और जिस तरह से हम देख रहे थे पूरे यहाँ श्रेयस अय्यर थे, मतलब उन्हें देख के वाकई में कोई नहीं बता सकता कि पहला डेब्यू मैच है और आज उन्होंने डेब्यू मैच टेस्ट मैच में डेब्यू किया है। और देखिए रिकी पोंडिंग ने भी उन्हें बधाई दी ट्विटर पे कि बहुत बहुत बधाई, आपने डेब्यू करा टेस्ट मैच में और जिस तरीके से खेला है, तो ऐसा कुछ उम्मीद लग रही है, ऐसा कुछ डाउट लग रहा है कि जिस तरह से आज खेल रहे थे तो उस फॉर्म में बने रहेंगे या नहीं, या ये जो रिदम है ये ब्रेक हो सकता है? क्योंकि देखिए खिलाड़ी जब लगातार खेलता है तो एक जोश में रहता है, एक्साइटमेंट रहती है, तो क्या ये टूट सकती है? यही तो बात है अनिशा की यहाँ पर श्रेयस अय्यर खुद क्या सोच है। एक्चुअली क्या है, ये माइंड गेम भी है, क्रिकेट सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये माइंड गेम भी है और ज्यादा माइंड गेम है। मुझे मेरे साथ से पहले जितने भी क्रिकेटर्स के बात हुई, मैं रूबरू हुआ, वो सारे यही बोलते थे कि ये क्रिकेट का जो ये जो क्रिकेट जो मैच होता है ना, ये माइंड गेम ज्यादा है। श्रेयस अय्यर को कल वहीं से मैच शुरू कर रहा है और उसी लय से बैटिंग कर रहा है। मैं कल तो जो हुआ हुआ, रात गई, आज फिर से शुरू करना है, उही स्टाइल से बैटिंग करना है, ज्यादा डिफेंसिव नहीं होना है, नहीं तो चेतन शेखुरा जैसे हाल हो जाएगा। कल देखिए इतना गेंद खेला, इतना डिफेंसिव अप्रोच और आखिर में बड़ा रन नहीं कर पाए यहाँ पर चेतन शेखुरा, तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बैटिंग करना है यहाँ पर श्रेयस अय्यर को। और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं मुझे लगता है कि काफी डिटरमाइंड है, और अगर डिटरमाइंड होता है तो कुछ भी कर सकते हैं श्रेयस अय्यर, और उनमें दम है, दमदार बल्लेबाज है और नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेलते हैं, कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हैं और मैच की स्थिति अनुसार क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर, बैटिंग करते हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर। 7 चौके 2 छक्के जड़े और किस तरह से वो इनिंग्स बिल्डअप करता है, ये भी एक आर्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से इनिंग्स बिल्डअप करते थे राहुल द्रविड़ जो अब कोच है फिलहाल, अब उही छाप में देखना चाहता हूँ श्रेयस अय्यर में। अगर आज एक बड़ा पारी खेल देते हैं यहाँ पर तो फिर फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर इंडियन टेस्ट टीम में, और बहुत बड़ी बात है डेब्यू में शतक ठोकना। इससे पहले सौरभ गांगुली ने ठोके थे 1996 था इंग्लैंड के खिलाफ, और श्रेयस अय्यर वही एलिट पैनल एलिट लिस्ट में इनलिस्टेड होंगे, तो ये बहुत बड़ा मौका है श्रेयस अय्यर के लिए। और फिर इस टेस्ट मैच के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है और इसी वजह से थोड़ा खतरा अजिंक रहाणे के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज में अगर जगह बनानी है तो फिर जो 3 इनिंग्स मिलने वाला है इस सीरीज में अजिंक रहाणे को कुछ ना कुछ करना है, बड़ा एक इनिंग्स खेलना है यहाँ पर रहाणे को। अनिशा बिल्कुल जो दादा देखिए कुछ ही देर में बस मैच शुरू होने वाला है और देखने वाले हैं कल से बिल्कुल जो धाकड़ अंदाज में खेल रहे हैं श्रेयस अय्यर, आज भी देखेंगे उसी फॉर्म में आज खेलेंगे उसी धाकड़ अंदाज में या नहीं। और देखिए दोस्तों हम कुछ ही देर में बस मैच शुरू होने वाला है और बने रहिए हमारे साथ, फिर से हम एक बार आपको मिलेंगे लंच ब्रेक में और एक एक अपडेट टेस्ट मैच की हम आपको बताते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस।